हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम की कंप्लीट फी डिटेल। ये प्रोग्राम 2 इयर्स का है, इसके अंदर टोटल 66 क्रेडिट आवर्स हैं। एक कोर्स के अंदर 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, देन दिस टोटल सेमेस्टर्स 4 सेमेस्टर हैं, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर। देन दी एडमिशन फीस जो कि है 5000 रुपीज, देन दी रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 2500, एंड दी सिक्योरिटी फीस विच इज़ द रिफंडेबल, क्योंकि ये फी वापस मिल जाती है जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, वो है 5000। देन दी एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फी वो है 500, देन दी एनरोलमेंट फी पर सेमेस्टर 1000 रुपीज, एंड दी ट्यूशन फी पर क्रेडिट आवर 1150। और एक कोर्स के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो ये बनती है 3450। देन द ट्यूशन फी बेस्ड ऑन द टोटल क्रेडिट आवर्स ऑफ द प्रोग्राम वो है 75900 की, यानी कि जो टोटल फी बनती है क्रेडिट आवर्स की कोर्सेज की 2 इयर्स की वो है 75900 की। कॉन्वोकेशन फी जो कि एक बार दी जाएगी, जो कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद होती है, वो है 2000 रुपीज। देन द फी कलेक्शन चार्जेस पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में पे करना होंगे 100 रुपीज। एंडाउमेंट फंड फी जो कि एक बार पे करनी है 1000 रुपीज है, एंड द टोटल फी जिसके अंदर सिक्योरिटी अमाउंट भी शामिल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी, वो बनती है 96300 की 2 इयर्स की। एंड इन टोटल फीस जिसको अगर हम जिसके अंदर से हम निकाल दें सिक्योरिटी अमाउंट, तो जो एक्चुअल फी बन रही है इस प्रोग्राम की वो बन रही है 91300 की। एंड ई फी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो बनती है 17550 की। और इसके बाद फिर फाइनल फी वाउचर जो है वो इशू किया जाएगा पहले सेमेस्टर का, और इसकी जो फीस बनती है वो बनती है 3450 की अगर एक कोर्स सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर 6 सेलेक्ट किए जाएंगे तो 20700। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।